मानव समाचार मानवता के हक में। ये क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है? कोई इनका परेशान हाल नहीं है, ये लावारिस पड़े हैं। जिंदगी की आखिरी सांस जो हिसाब से मामला है उनका, बहुत सीरियस है। बदन पूरा कड़क हो गए और इतनी ख़राब सिचुएशन में, हालात में साजिद भाई जब यहाँ आए और इन्होंने देखे नहीं कारपोरेटर साजिद अहमद ने, तो फौरन मैंने जो तो मुझको फ़ोन किया और फिर बदानी साहब का भी फ़ोन आया किला पुलिस स्टेशन के माध्यम से। आज हम इसको लेकर जा रहे हैं मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में। मेरा मालेगांव महानगर पालिका से सिर्फ यही कहना है कि ऐसे बेवारस लोगों के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीके से एक जो है तो शाला या तो फिर उनके लिए रहने के लिए सोने उठने बैठने और खाने के लिए कोई ऐसी जगह मुतय्यन की जाए जहां पर ऐसे लोगों को हम रख कर उनका ट्रीटमेंट करके उनको खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें, यही कहना मेरा। और मैं शुक्रगुजार हूँ किला पुलिस स्टेशन के PI साहब और साजिद कारपोरेटर साजिद अहमद अब्दुल रशीद मुकादम को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लावारिस जो पेशेंट होते हैं तो इनके लिए यहाँ सामने रुग्णालय में एक कंपलसरी एक सिपाही है इनकी देख रेख के लिए, लेकिन मैं यहाँ अपने काम के लिए आया था। कुछ लोग मेरे पास आए और वो बोलने लगे कि एक पेशेंट बोले बाहर कल से पड़ा हुआ है, बोले उसको मरा समझ के फेंक दिए। अब वो क्या सच है क्या गलत है, इन लोगों ने फेंका या एम्बुलेंस वाले ने उतार के चला गया? ठीक है, एम्बुलेंस वाला भी अगर उतार के चला गया तो यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो ऐसे लावारिस और ये अनाथ लोगों को देखने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सिविल के आसपास जो पेशेंट पड़े हुए सामने रुग्णालय हॉस्पिटल के आसपास जो ऐसे लावारिस पेशेंट पड़े हैं, अगर उनको लाकर उनकी मरहम पट्टी करना, यहाँ पर जो सिपाही जो योजना के तहत लगे हैं इनका काम है वो करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हमारे किला पुलिस स्टेशन के PSI गुहे साहब और वार्ड नंबर 17 के कारपोरेटर साजिद अहमद अब्दुल रशीद मुकादम ने मुझको कॉल किया और बताया कि शिवाजी टाउन हॉल मालेगांव महानगर पालिका के सामने अंदर वहां पर एक लावारिस शख्स जो है तो एकदम अधमरी हालत में पड़ा हुआ है और उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। मालेगांव के मैं देखिए हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, बहुत से हॉस्पिटल में हमने उसको ले के गए, मगर उसकी हालत देख के और जो गंदगी और जो यानी ऐसा लगता है जैसे वो फकीर मांगने वाले बेवारस है, उसकी कंडीशन देख के डर के मारे किसी भी हॉस्पिटल में उसको लिया नहीं गया। मैं उसको यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाया, इनसे मतलब बहुत गुजारिश की, मगर सिविल हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान और जो डॉक्टर्स थे उनका बोलना ये था कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। और ये हकीकत बात थी कि कल सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पूरा बेड भरा हुआ था, उन लोगों ने मुझको बताया भी। अब ऐसी कंडीशन में और फिर बाहैसियत एक मुसलमान होने के नाते अवतार का वक्त था, मुझको अफतारी भी करना थी और अफतारी लेना भी थी, इसलिए मैं उस पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल के बाहर गेट पर मैं खुद छोड़ा और डॉक्टर वालों को बता कर गया कि आप इसको कहाँ रखना है। 1500 रुपया एम्बुलेंस में भाड़ा किराया चला गया। यानी खैर ये बातें बताने वाली नहीं, मगर आज एक इंसान की परिस्थिति हालात ये है कि एक इंसान ऐसे लावारिस पड़ा है, उसका कोई परेशान हाल नहीं है, फकीर हो गरीब हो कोई भी हो, मगर एक इंसान तो है ना, इंसानियत के लिए इंसान को काम करना चाहिए। मैं काम के लिए और इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा हूँ, जब जब भी इंसानियत पे कोई बात आएंगी जिया मुस्कान इंसानियत के लिए काम करेगा और करता रहेगा। मेरी शिकायत है मालेगांव महानगर पालिका के उन वरिष्ठ अधिकारियों से, इन लोगों का काम है कि ऐसे व्यक्तियों का और ऐसे पेशेंट का और ऐसे फकीर और बेवारस लोगों के लिए मालेगांव महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वो इन लोगों के लिए कोई मुकाम करे, उनके लिए जो है तो एक जगह मुतय्यन करे ताकि हम ऐसे लोगों को वहाँ पर जो है तो ले जाके उनको रख के, ये बुजुर्ग हो वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक हो सीनियर सिटीजन हो चाहे पेशेंट हो कोई भी कंडीशन में वे वारिस हो यतीम हो, हम उनको ले आके वहाँ रखिए और उनका इलाज। ये मेरी ऐसी गुजारिश है मालेगांव महानगर पालिका के और शहरियान से मेरी अपील है कि कोरोना पेंडेमिक का ये जो दूसरी लहर है इंतहाई भयानक है, आप लोग स्वस्थ रहे अच्छी से रहे घर में रहे, ज्यादा से ज्यादा जो तो सोशल डिस्टेंसिंग से बचे, दूर रहे लोगों से, एहतियात बरते, मास्क लगाए, सफाई रखे और अपने आप का ख्याल करे। जिया मुस्कान आपकी खिदमत में एक फोन पर एनी टाइम हाजिर है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला हो, चाहे पेशेंट को एडमिट करना हो, डेड बॉडी चेक करना हो, हम हर रोज लगे हुए तकरीबन 2 महीने से और इंशाल्लाह आगे भी लगे रहेंगे। जजाकल्लाह व खैरा।